हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखा है और 497 अंक ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100 में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 50 156 अंक, निफ्टी बैंक 168 अंक और निफ्टी मिड कैप 100 करीब 370 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ है। बात कर लेते हैं कल के टॉप गेनर्स की, तो HCL Tech पॉजिटिव में 3.89%, विप्रो 3.73%, UPL 3.58% एंड अदानी पोर्ट्स 3.41% की तेजी के साथ बंद हुआ है। बात कर लेते हैं कल के टॉप लूजर्स की, तो पावर ग्रिड कॉर्प 3 अंकों के साथ, एक्सिस बैंक करीब 9 अंकों के साथ, बजाज फाइनेंस 56 अंकों के साथ एंड सिप्ला 7 अंकों के साथ नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं हमें इनमें प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिख रहा है। देख लेते हैं कमोडिटीज परफॉर्मेंस, तो क्रूड ऑयल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है 265 अंकों के साथ और नेचुरल गैस 7 अंकों से ऊपर रहा है। गोल्ड में 141 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं सिल्वर 453 अंकों की तेज़ी के साथ ऊपर बंद हुआ है। बात करें करेंसी परफॉर्मेंस की, तो USD INR कल फिर से 0.31 अंक के साथ नीचे आया है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि रुपए के बदले में USD टूटता हुआ दिखा है। EUR INR में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। JPY INR में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है और JPY INR में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। बात कर लेते हैं FII FPI की, तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि FII लगातार कुछ दिनों से मार्केट से अपने पैसे निकाल रहा है। इनकी बाइंग वैल्यू 5883 करोड़ है, वहीं सेलिंग इन्होंने 7093 करोड़ की है, तो इनका नेट वैल्यू -1209 करोड़ है। तो यहाँ पर सेलिंग का माहौल दिख रहा है। बात कर लेते हैं DIA ट्रेडिंग एक्टिविटी की, तो इनकी बाइंग वैल्यू है 6138 करोड़ एंड सेल वैल्यू है 4733 करोड़, ओवरऑल नेट वैल्यू 1404 करोड़ है। तो यहाँ हमें बाइंग देखने को मिला है। बात करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स की, तो मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन की तरफ दिख रहा है विथ इंडेक्स 28.86 के साथ। नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ, तो मार्केट पॉजिटिव में ही ओपन हुआ है। SGX निफ्टी की बात करें तो ये 68 अंकों से ऊपर खुला है। KOSPI करीब 12 अंकों के साथ, निकी 225 38 अंकों के साथ एंड ताइवान वेटेड 54 अंकों के साथ ऊपर खुला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।